देखो दाल मखनी के हमारे देश में बहुत सारे शौकीन हैं, लेकिन इतनी बड़ी देग में मुझे नहीं लगता हर कोई पकाता होगा। 10 घंटे इस दाल को यहाँ पे पकाया जाता है। 40 किलो दाल यहाँ पे रोज पकती रहती है, बिकती रहती है। आज हम लोग आ गए हैं जलंधर के शर्मा वैष्णो ढाबा पे, पंडितों का ढाबा। मेरे को तो पंजाबी में बोला भी नहीं जा रहा, कहा जाता है, और मैं पंडित हूँ, आप लोगों को पता है ना, तो सोचा कि चलो दिखाया जाए, देखें हम पंडित भी क्या स्वाद बेच रहे हैं। ये देखो, ये इनकी कढ़ाई पनीर है, और यार मजा आया ना देख के, सो रिच। ऐसे लग रही ना भाई इसी ढाबे पे, ऐसे लग रहा है किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने आज हम वाले हैं। ये देख के ना थोड़ी सी मैं घबरा गई, मैंने कहा यार ये क्या आइटम है, फिर उन्होंने मुझे बताया तड़का है। तड़का है मैम, प्लेन दाल के ऊपर दाल देते हैं। और ये है यहाँ का राजमा, पंजाबियों का राजमा, क्या बात है। आप पंडित हैं, पंजाबी हैं? पंजाबी पंडित हैं। पंजाबी पंडित हैं, क्या बात है। ये हमारे चीज टमाटो है। चीज टमाटो बोलो, चीज है इसके अंदर या पनीर है? मैम ये अभी ग्रेवी है, इसके अंदर हम पनीर डालेंगे, फिर क्रीम की टॉपिंग करेंगे। ओके, मतलब हमारा दिल्ली वालों का शाही पनीर बोल रहे हैं। शाही पनीर अभी दिखाएंगे ना, ये टमाटो की ग्रेवी होती है। अच्छा। शाही पनीर हमारा स्पेशल बोलते हैं। इसके अलावा भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ, यहाँ पे मिक्स वेज आपको मिल जाएगा। पूरे जलंधर में आपको ऐसी कढ़ी नहीं मिलेगी, गारंटी है। क्या बात है गाइज, ये सारी सब्जियां जो मैंने दिखाई है, आप मुझे तब तक कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या पसंद है। ये है मसाले वाले आलू, क्या बात, मजेदार, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बैंगन का भरता हमेशा मिलता है जी, 365 डेज मिलेगा। खुश हो गई मैं तो। अब कुछ नहीं चाहिए, बैंगन का भरता एंजॉय करने वाली हूँ। थाली लगाती हूँ अपनी पूरी और फिर सीधा आपसे मिलती हूँ टेबल पे। तो ये क्वांटिटी हाफ की है, इसके ऊपर आएगा ये वाला तड़का। क्या बात है भैया, मेरे में ना तेल कम डालना, तड़का ज़्यादा। तो किसी का ऑर्डर आ रहा था, मैंने सोचा थोड़ा और ललचा दिया जाए, थोड़ा और दिखा दिया जाए। इसमें जाएंगे सारे मसाले यहाँ पे ना, आपको अगर लाइव में कुछ सामने सामने देखना है तो चीज़ चिली टमाटो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, और यू कैन ऑर्डर ये पनीर भुर्जी। यार इनका बैंगन का भरता देख कर ना, अब तो मुझे सच में नहीं रुका जा रहा, मन कर रहा है कि कुछ बढ़िया सा लगवाऊँ और आप लोगों को दिखाऊं। होए होए, क्या बात है जी, ये देखिए हमारी गर्मा गर्म मस्त थाली लग चुकी है। मैं आपको सब्जियां दिखा देती हूँ पहले। ये है हमारा चीज टमाटो, इसके साथ बड़ा ही फनी इंसिडेंस हुआ था, बताऊंगी। ये है हमारे मसाले वाले चटपटे आलू गोभी, ये बहुत यम्मी लग रहा है नी। ये हमारा कढ़ाई पनीर, और ये है यहाँ की फेमस दाल जो दिखाई थी ना आपको, देग में, बड़ी सी देग में पक रही थी, ये है वो ऊपर से डाल के मक्खन मार के दिया है। और ये मेरा फेवरेट इन सब में से ना, ये मेरी जान है, मेरे को इतना पसंद है बैंगन का भरता। मैं लेते थोड़ा सा इसमें निकालती हूँ, और ये सैलेड मिला है, और ये मिस्सी रोटी गर्मा गर्म, और तंदूरी रोटी और तंदूरी लच्छे पराठे। आपको यहाँ पे बहुत सारे नान मिल जाएगा, गार्लिक नान मिल जाएंगे। सबसे पहले लूँगी मैं हमारा मेरा फेवरेट, मतलब आपको इन सारी सब्जियों में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, तब तक मैं ट्राई करती हूँ। जल्द जीत गया भाई, मज़ा आ गया, मसालेदार चटपटा बैंगन का भरता ऑनलाइन फेवरेट। एक लेते हैं यहाँ की दाल मखनी जो हमने देखी है ना, जिसकी बड़ी तारीफें सुनी है जलंधर में, इससे बढ़िया दाल मखनी कहीं की नहीं है। लेट्स सी, काफ़ी रिच है, काफ़ी मतलब पता चल रहा है खाने में कि काफ़ी देर पकाई गई है, और मक्खन का जो स्वाद आ रहा है ना, गजब, मतलब मखमली मखनी बहुत सही स्वाद है। चीज टमाटो पे आते हैं, हमारे साथ क्या हुआ था, हम थे लुधियाना में, तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने हमें बोला कि हम ना आपको एक बहुत ही पंजाब की फेमस आइटम खिलाएंगे, चीज़ टमाटो। अब हम दिल्ली वाले, आपको पता है हम कैसे हैं, चीज़ हमारे लिए क्या होता है, वो जो घिसते हैं, तो हमें लगा कोई टमाटो को स्कूप आउट करके चीज़ भर के देंगे, मस्त होगा, मज़ा आएगा। हमारे सामने वो ले आई ये, और मैं और ऋषभ एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे लिटरली, मैंने कहा ये तो हमारा, मतलब ये क्या है चीज़। फिर समझ आया यहाँ पे ना पनीर को चीज़ बोला जाता है, और टमाटो की ग्रेवी के साथ इसे सर्व किया जाता है, तो ये हो जाता है चीज़ टमाटो। काफ़ी सही है, मस्त है यार, मज़ा आया, अच्छा है। टमाटर का हल्का सा खट्टापन है, और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, मसालों का सुपर ब्लास्ट। एक बार ये भी ट्राई करते हैं, ये है हमारी कढ़ाई पनीर, ये है हमारी चीज़ टमाटो। लेट्स हैव अ बाइट, काफ़ी इसमें भी लग रहा है काफ़ी सारा मक्खन और काफ़ी सारा घी, इसमें थोड़ा क्रीमी टेक्स्चर है, इसमें थोड़ा टमाटर वाला टेक्स्चर है। शर्मा ने सच में दिल जीत लिया है, मज़ा आ गया, है होता ही शर्मा बढ़िया है, जैसे प्रियंका शर्मा बढ़िया ना, इसी शर्मा का ढाबा भी बहुत बढ़िया है, आप लोग आ सकते हो। ये इनके साथ यहाँ पे ना इनकी खीर भी बहुत ज़्यादा फेमस है,
जो लंदन की ऐसी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, ये तो मतलब मैंडेटरी है। एक इनकी दाल मैंडेटरी है, एक इनका बैंगन का भरता अल्टीमेट। वैसे तो सारी चीज़ें मुझे बहुत सही लगी, ये भी अच्छा है। अगर मखनी कुछ ऐसा खाना है रिच वाला, क्योंकि अगर थोड़ा मसालेदार हल्का सा खट्टा चटपटा खाना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। आई लव दिस प्लेस। टाइमिंग्स रहते हैं सुबह 11 बजे ही ढाबा ओपन हो जाता है, रात को 11:30 बजे तक आप ये स्वादिष्ट खाना टेस्ट कर सकते हो। एड्रेस इनका रहता है ज्योति चौक जलंधर में आज हम लोग, तो आप किसी से पूछ रहे पंडितों का ढाबा कहाँ है वो आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। मेन्यू यहाँ पे ये इनका ये मेन्यू है, बहुत सारे मतलब सारी सब्जियों के ना अलग अलग प्राइजेज हैं, तो मैंने सोचा आपको मेन्यू ही दिखा दिया जाए, काफ़ी बड़ा मेन्यू है। तो जी दैट्स इट फॉर नाउ। जलंधर लुधियाना अमृतसर की बहुत सारी अमेजिंग टेस्टी डिलीशियस वीडियोज़ आने वाली है, तो सबको देखना जाके। और अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और लाऊँ, तो स्टार्स का ऑप्शन है नीचे, गिफ्ट कर सकते हैं आप मुझे।